हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम फ्लावर वाला बैक नेक ब्लाउज डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये अस्तर का पीस है। तो ब्लाउज़ की लंबाई यहाँ पर 14 इंच है। कंधा यहाँ से 5 इंच पर लेंगे, नीचे से भी चेक कर लेंगे। आर्म होल की लंबाई यहाँ से हम 5.5 इंच पर लेंगे और यहाँ से सीधा लाइन खींच के एक बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद तिरछे में यहाँ पर 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरीके से आर्म होल का राउंड में शेप दे देंगे। अब चेस्ट का 1/4 यहाँ पर 9 इंच पर मार्किंग करेंगे और 1.25 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन है। नीचे की साइड 7.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने। अब आर्म होल की साइड से हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने आर्म होल की साइड कटिंग कर लिया है। अब इसे हटा लेंगे। ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये हमारा अस्तर का फैब्रिक है। तो इसे इस तरीके से रखना है और नीचे से कमर की साइड हम सिलाई लगाएंगे। तो 1/2 इंच का मार्जिन देकर यहाँ पर सिलाई लगा लेना है और नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे और हाथ से इस तरीके से नाखून से प्रेस करके पीछे की साइड अस्तर के कपड़े को पलट लेना है और इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। अब सिलाई लगाने के बाद पीछे की साइड पलट लेंगे और 20 से 1 सिलाई और लगा लेंगे। अब साइड से सिलाई लगाकर अस्तर और मेन फैब्रिक को एक साथ जोड़ लेंगे। तो सभी साइड से सिलाई लगा लेना है। तो इस तरीके से सल निकालते हुए सिलाई लगा लें। तो यहाँ पर मैंने अस्तर और मेन फैब्रिक को सिलाई लगाकर जोड़ लिया है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर ली है। अब इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और नीचे से 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और 2.5 इंच यहाँ पर मैंने गले की चौड़ाई रखी है। नीचे से ऊपर से भी 2.5 इंच रखा है मैंने गले की चौड़ाई। अब एक बॉक्स बना लेंगे। इस तरीके से बॉक्स बनाने के बाद अब यहाँ पर गले का हम शेप दे देंगे। तो राउंड नेक में इस तरीके से शेप देने के बाद यहाँ पर कटिंग कर लेंगे गले की। अब गले की साइड हमें सिलाई लगा लेना है और अस्तर और मेन फैब्रिक को एक साथ यहाँ पर जोड़ लेंगे गले की साइड में। अब इस पर हमें पाइपिंग लगाना है। तो पाइपिंग के लिए मैंने यहाँ पर गोल्डन फैब्रिक लिया है जिसकी चौड़ाई जो है वो 1.25 इंच है। तो इसे हमें डबल में इस तरीके से फोल्ड करके गले में पूरे अटैच कर देना है। तो इस तरीके से मैंने गोल्डन फैब्रिक को गले में अटैच कर लिया है। अब दोनों साइड ऊपर से एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। अब इसे इस तरीके से पलटकर पाइपिंग बना लेंगे। तो जितना पतला पाइपिंग चाहिए उसके हिसाब से यहाँ पर फोल्ड करके पाइपिंग के लिए सिलाई लगा लेना है। तो एकदम जड़ में सिलाई लगाना है इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने पूरे गले में पाइपिंग लगाकर कंप्लीट कर लिया है। तो गले में पाइपिंग लग चुकी है। पाइपिंग को छोड़कर 1/4 इंच पर मैंने पूरे राउंड में यहाँ पर चौक से निशान लगा लिया है। तो इसके ऊपर हमें लेस अटैच करना है। तो इस तरीके से फ्री हैंड यहाँ पर हल्के हाथों से हमें लेस लगा लेना है पूरे गले में। तो यहाँ पर मैंने गले में लेस लगाकर कंप्लीट कर लिया है। अब लेस लगाने के बाद पीछे की साइड पलट लेंगे और इस तरीके से दोनों साइड पर 4.5 इंच पर मार्किंग करके हमें टक्स की सिलाई कर लेना है। टक्स की ऊंचाई मैंने 3.5 इंच की रखी है। आप अपने हिसाब से टक्स की ऊंचाई रख सकते हैं। तो दोनों साइड यहाँ पर टक्स की सिलाई हो चुकी है इस तरीके से। अब नीचे की साइड भी हम लेस अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर कमर की साइड भी मैंने लेस लगा दिया है। अब यहाँ पर देखिए 2.5 इंच का एक स्क्वायर पीस लेना है और इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद अब सुई में धागा लेना है और नीचे से इस तरीके से स्टिच कर लेना है। तो इस तरीके से स्टिच करने के बाद धागे को खींच लेंगे। देखिए इस तरीके से पकड़कर यहाँ पर अच्छे से नॉट लगा लेंगे। और देखिए फ्लावर बनाने के लिए एक पंखुड़ी हमारी बन चुकी है। अच्छे से नॉट लगाने के बाद यहाँ पर धागे की कटिंग कर लेंगे और नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। तो इसी तरीके से देखिए मैंने बाकी पंखुड़ी भी बना ली है फ्लावर बनाने के लिए। तो अब सुई में धागा लेकर सभी पंखुड़ियों को एक साथ हमें इस तरीके से स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर सभी
पंखुड़ियों को मैंने एक साथ धागे में पिरो लिया है। अब दोनों साइड से हमें इस तरीके से धागा यहाँ पर थोड़ा लंबा कट कर लेना है और दोनों धागों को इस तरीके से टाइट से हमें बांध लेना है और अच्छे से बांधने के बाद धागे को कट कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं फ्लावर हमारा बनकर रेडी हो गया है। अब यहाँ पर बीच में मैं रेडीमेड सो बटन लगा रही हूँ, आप चाहें तो फैब्रिक बटन भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर फ्लावर के बीच में इस तरीके से बटन लगा लेना है और अच्छे से धागा यहाँ पर टक कर लेंगे और नीचे की साइड हमें अच्छे से नॉट लगा लेना है। अब धागे को कट कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्लावर में मैंने सो बटन लगा लिया है। अब यहाँ पर एक गोल्डन डोरी लेना है, इसकी लंबाई लगभग 7 इंच है। तो यहाँ पर 3 इंच का स्क्वायर पीस में फैब्रिक लेना है और दोनों साइड लटकन बना लेना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर बना लिया है। अब इसे हमें देखिए सो बटन में इस तरीके से एडजस्ट करके देखिए डोरी को यहाँ पर मोड़ कर इस तरीके से पलट लेना है और अच्छे से इसे धागे से टक कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर अच्छे से डोरी को धागे से टक कर लिया है। अब एक फैब्रिक लेना है जिसकी लंबाई 6.5 इंच है और चौड़ाई मैंने 1.5 इंच रखा है। उसे डबल में फोल्ड करने के बाद इस तरीके से किनारे से हम सिलाई लगा लेंगे धागे से और यहाँ पर नॉट लगा लेंगे। अब इसे डबल में फोल्ड कर लेना है इस तरीके से और डबल में फोल्ड करने के बाद देखिए किनारे से हमें इस तरीके से सिल लेना है। तो पूरे राउंड में इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली है। अब धागे को हमें खींच कर इस तरीके से अच्छे से खींच लेना है टाइट से और यहाँ पर अच्छे से नॉट लगा लेना है इस तरीके से। अभी धागे को कट नहीं करना है। तो ये आप देख सकते हैं एक फ्लावर हमारा बनकर रेडी हो गया है। इस पर मैं यहाँ बीच में बड़ी वाली मोती लगा रही हूँ, गोल्डन मोती। आप चाहें तो छोटी वाली मोती भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से डबल में मोती लगाने के बाद नीचे की साइड में हमें अच्छे से नॉट लगा लेना है। तो यहाँ पर एक फ्लावर हमारा बनकर रेडी हो गया। इसी तरीके से देखिए मैंने और भी फ्लावर बना लिए हैं, उसे पूरे गले में इस तरीके से अटैच कर लेना है। तो आज का ब्लाउज डिज़ाइन हमारा बनकर रेडी हो गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।